अस्सलाम वालेकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, हम टेक्नोलॉजी के जाल में पूरी तरह से घिर चुके हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कभी कभी छोटे छोटे मसाइल हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात की तरफ ले जाते हैं। एक छोटा सा मसला मैं आपको बताऊं, जब भी कभी हम व्हाट्सएप पर किसी नए नंबर पर मैसेज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस नंबर को सेव करना पड़ता है, उसके बाद अपनी फोन डायरेक्टरी में जाके वो नंबर निकाल के और उस पर हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन अब तक नहीं था, अब है। मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक मोबाइल ऐप है मैसेज 360 के नाम से। इस ऐप के थ्रू आपको बगैर किसी नंबर को सेव किए, नए नंबर को सेव किए, आप उस पर व्हाट्सएप पर बहुत ही आसानी से मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल नंबर हो या इंटरनेशनल नंबर हो। इस ऐप के बारे में मैं पूरी तफसीलात आपको बताऊंगा, इसका बाकायदा इस्तेमाल करने का तरीका भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इसकी चंद और खसूसियात आपको बताऊं। दोस्तों, अगर आप किसी कोई मतलब डिलीवरी बॉय टाइप का काम करते हैं, किसी कुरियर कंपनी से आप कौन सा लिखे, या फिर फूड पांडा के लिए फूड डिलीवरी का काम करते हैं, या इंडिविजुअली अपने लिए फ्रीलांसिंग के तौर पर कोई डिलीवरी सर्विसेज का काम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज 360 ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यकीनी तौर पर आपको दिन में दर्जनों, शायद उससे भी ज्यादा नंबरों को, नए नंबरों को पहले सेव करना पड़ता होगा और उसके बाद आप व्हाट्सएप पर उस पर मैसेज कर पाते होंगे। एक और चीज आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर इसका मतलब है कि आप अपना एक दिन का ठीक ठाक खर्चा सिर्फ मोबाइल फोन की कॉल्स या फिर SMS पर जाया कर देते हैं। ये टोटल कैलकुलेशन अगर आप खुद ही बैठ के कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपका सिर्फ ये छोटा सा मसला हल हो जाए कि आप नए नंबर को बगैर सेव किए उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना शुरू कर लें, तो आपके मोबाइल फोन का जो बिल है वो तकरीबन कुछ 70-80% रिड्यूस हो सकता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस ऐप का नाम है मैसेज 360। डेफिनेटली प्ले स्टोर पर जाके आप मैसेज 360 टाइप करेंगे और आपको इस तरह का एक लोगो आपके सामने आएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप इजीली वहां पे भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैसेज 360 ऐप को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इस्तेमाल कर दें, उसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाएंगे। अच्छा, मैं अपने फोन में इस वक्त इस्तेमाल करो और यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूं ताकि साथ साथ आप भी देख पाएं कि मैं क्या क्या ऑपरेशन कर रहा हूं। आप मैसेज 360 के आइकॉन पर टैप करेंगे, इस तरह की एक ऐप दोस्तों आपके सामने आएगी। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसका। इस साइड पे देखें, आपके पास कोड ऑलरेडी आ रहा है पाकिस्तान का। अगर आप पाकिस्तान से किसी इलावा किसी इंटरनेशनल नंबर पर आप मैसेज करना चाहें तो तमाम कंट्रीज के फ्लैग और कोड और नाम के साथ यहां पूरी लिस्ट मौजूद है। तो बहरहाल अभी हम एक 92 के यानी पाकिस्तानी नंबर पर ही ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे नंबर का एक टैब जो है वहां पे आ रहा है। अच्छा, नंबर यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैसेज आया हुआ है या कोई मिस कॉल आई हुई है या कॉल आई हुई है तो वहां से जाके आप अपने फोन में उसको कॉपी करके यहाँ पे बहुत इजीली पेस्ट भी कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप उस नए नंबर को जीरो के साथ टाइप करें या बगैर जीरो के टाइप करें, कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो ऐप है ये डिटेक्ट कर लेती है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर जो है वो आप यहाँ पे टाइप करते हैं, ये नंबर आपने टाइप किया और उसके बाद आपने ये जो सेंड मैसेज है इस पर आप क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो मैसेज टाइप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बगैर मैसेज टाइप किए भी आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो कोई भी एक मैसेज जैसे अस्सलाम वालेकुम मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो बगैर मैसेज टाइप किए भी आप सेंड का बटन दबाएंगे तो आपके पास देखें यहां पे व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस, ये दोनों एप्लीकेशंस अगर आपके पास सेव हैं तो ये दोनों आपके पास फीचर आ जाएंगे। आप व्हाट्सएप पर टैप करेंगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज चला जाएगा, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस पर टैप करेंगे तो व्हाट्सएप बिजनेस पर टैप मैसेज चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अदर एप्लीकेशंस पर टैप करेंगे तो आपके फोन के अंदर दोस्तों जितनी भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं वो तमाम एप्लीकेशंस आपके पास आ जाएंगी और किसी भी मैसेज पर आप मैसेज भेजना, मिसाल के तौर पर आप फेसबुक मैसेंजर के ऊपर भेजना चाहते हैं या इसके अलावा किसी भी मैसेजिंग ऐप के ऊपर आप मैसेज भेजना चाहते हो, आप यहां पे भेज सकते हैं। तो ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए ही कारामद नहीं है मैसेज 360, व्हाट्सएप के अलावा जितनी भी मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं उनसे भी हम यहां पे रابطہ कर सकते हैं। तो जब यहां पे आप ऐप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद वो मैसेज दोस्तों आपका सेंड हो जाएगा। मैसेज सेंड होने के बाद फिर आप अपने व्हाट्सएप पर आकर उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं बगैर नाम को, बगैर नंबर को सेव किए। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, आपने देख लिया, बहुत इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैसेज 360 में हाउ टू यूज पे जब आप टैप करते हैं तो यहाँ पे इनका ये जो इसके बनाने वाले हैं इस ऐप के उनका कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। फर्दर इंक्वायरी प्लीज डू कॉन्टैक्ट ऑन, ये नंबर सारा मौजूद है यहाँ पे जो है ना, इस नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम आ रही
रही है, कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम या कोई सजेशन है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आप इनको राय दे सकते हैं। दोस्तों ये ऐप है हमारे पास मैसेज 360 के नाम से, और ये हमारा एक ऐसा मसला जिसका हमें तकरीबन रोज ही सामना करना पड़ता है। स्पेशली मैंने एक कैटेगरी आपको बताई, उन लोगों को तो बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है कि हर एक नए नंबर को उनको पहले सेव करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो व्हाट्सएप ऐप से जो है उसको मैसेज कर पाते हैं। तो अब दोस्तों इस मसले का बहुत ही बेहतरीन हल आपको मिल गया मैसेज 360 ऐप के नाम से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों के सवालात हो, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, हम क्या करेंगे एक Q&A सेशन कर लेंगे, एक वीडियो कर लेंगे Q&A सेशन, और इसके जो डेवलपर्स हैं वो चूंकि मेरे रابطे में हैं तो मैं आपके सवालों के जवाब उनसे लेकर और मैं उसके जवाब उसकी उन्हें वीडियो में आपको दे दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैसेज 360 ऐप से रिलेटेड जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा, या फिर कोई सजेशन हो तो वो सजेशन भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस ऐप के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और कैसी लगी आपको ये वीडियो ये भी प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।